परशुराम, जय परशुराम। अब अनुपम मिश्रा जी, हम काबिलियत आपके स्वयं पर होती है, आप मत लोगों से भागिए। मैं जितने नेता है ना, इनका सबका पुतला बना के फूंक पाएंगे, क्योंकि किसी नेता के पास जाने से वर्तमान आपकी समस्या समाधान होगा नहीं। हम सब लोग कहते हैं यार, अब तुमने सबके यहां जाना बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, 22 साल जब मेरी ये पूछ रहे नहीं थी, तथ्य मुझको माननीय राजनाथ सिंह जी जानते हैं, 23 साल हो गए, मैं उनको ताव कहता हूं, लेकिन वो मुझे एमएलए या एमपी नहीं। मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं उनको एमपी बनाऊं। मैं एमपी बनूं, कैसे बनूंगा भैया? देखिए, घुमा फिरा के बात करता नहीं हूं, आदमी को अपने एम पे, अरे पहाड़ पे चढ़ना है, चढ़ जाओ चोटी पे। हम पूर्वी दिल्ली से टिकट के दावेदार हैं, हम सांसद के चुनाव लड़ेंगे, हम चाहे कुछ भी। जब युद्ध में जाओगे तो जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। भाई युद्ध में गए, अब युद्ध से भाग जाओगे, अरे हमने कहा हम मजार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, तो आज हमें दो मजारे गिरा रखी है। या मीडिया के साथी बैठे, पूछो इनसे, सुनहरी बात गिर गई, इलेक्शन कमीशन की गिर गई, क्या छोटा काम था? मैं कहता हूं 24 लड़ूंगा और जीतूंगा, आप सबके अच्छा। और अमित शाह की मजबूरी होगी, राजवर्धन सिंह परमार को टिकट जरूरी होगी, मजबूर कर दूंगा मैं उनको टिकट देने की, डिवोर्स कर दूंगा। जो है आप सदस्य पूरे भारत में, आप नशा मुक्त पर काम करते हैं और ये हमारे आग्रह पे आज आए हैं, आपका स्वागत करेंगे। और तरकस अखबार है, उसके आप संपादक हैं। दादा तो काफी जी आज पे हैं, आने वाले समय में मां भव्य अटल जी की प्रतिमा लगेगी और उस मार्ग का नाम अटल मार्ग रखा जाएगा। मैं आज यहां तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जात के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? जो लोग आर्थिक आधार पर समर्थन करते हैं वो हाथ उठाएगा। हमारी महिला चंदेल जी ना खुद समझते हैं, ये कह रहे हैं गारंटी चाहिए, साल इसकी छुट्टी करा लेंगे। अभी हमारे जितेंद्र जी, जय भारत माता की, वंदे वंदे, जय महाराणा प्रताप की, जय महाराणा प्रताप की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। हम परशुराम जी की जीते हैं, उन्हीं की तरफ से। सभी भाई बहन, आज भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप सेना द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग जाति के विभिन्न विचारधारा के लोगों ने आज मिलकर भगवान परशुराम जी की जयंती महाराणा प्रताप सेना के तत्वावधान में मनाने का काम किया। ये अपने में गौरव की बात है, जहां समाज जातियों में बढ़ता जा रहा है, आज महाराणा प्रताप सेना ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सारे लोग, सभी जात धर्म के लोग मिलकर के भगवान परशुराम जयंती जयंती आज